आपसे एक सवाल है कि क्यों एक हाथी हाथी के जैसा दिखता है और चिड़िया चिड़िया के जैसी। जरा सोचो इसके बारे में। इस दुनिया में लाखों जानवर रहते हैं, लेकिन सबका शरीर अलग-अलग आकार में बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नेचर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, या फिर नेचर ने जानवरों को अलग-अलग आकार दिया और वो एक ऐसे जानवर की तलाश में हो जिसका शरीर पूरी तरह से परफेक्ट हो। और शायद नेचर ने ऐसा कर भी लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानवरों की कुछ ऐसी विशेषताओं पर बात करने वाले हैं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो बने रहिए एनआरटीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। जब पृथ्वी पर पहली बार जानवर पनपना शुरू हुए थे, तब से लेकर अब तक जानवरों में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, और वो बदलाव जानवर के आसपास के वातावरण के हिसाब से आए हैं। इसका एक सिंपल सा हिसाब है, अगर किसी जानवर के शरीर पर पूंछ होने की वजह से अगर वो जिंदा है तो उसके आगे आने वाली जनरेशन के शरीर पर भी पूंछ होगी। अगर आपके शरीर पर पूंछ लग जाने की वजह से आपकी मौत हो जाए तो फिर आपकी आगे आने वाली नई जनरेशन नहीं बन पाएगी। किसी जानवर के शरीर की बनावट उसके आसपास के वातावरण और उस वातावरण में उपस्थित तत्वों के हिसाब से विकसित हो पाती है। जरा सोचो, क्या होता अगर किसी मछली का शरीर एक हिरण के जैसा होता? क्या वो समंदर में तैर पाती? मछलियों का शरीर बेलनाकार होता है, उससे वो पानी में आसानी से तैर लेती है। वहीं पर दूसरी तरफ जमीन पर रहने वाले जानवरों के पास टांगे होती है जिससे वो आसानी से जमीन पर चल लेते हैं। तो अब समय है ये जानने का कि नेचर द्वारा अब तक सबसे अच्छा शरीर किसका बनाया गया जो किसी भी वातावरण के लिए परफेक्ट है। अगर आप बहुत सारे जानवरों के ऊपर सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा कि सांप का जो शरीर है वो एकदम परफेक्ट है। अब वो कैसे हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सांप वो कर सकता है जिसके बारे में दूसरे जानवर सिर्फ सपने देखते हैं। अगर आप सांप को अच्छे से नहीं जानते तो आपको लगता होगा कि सांप सिर्फ जमीन पर रेंग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सांप बहुत कुछ कर सकते हैं। सांप बड़ी आसानी से दीवारों पर चढ़ सकते हैं, जबकि आप किसी दूसरे जानवर को दीवार पर चढ़ने को बोलोगे तो वो नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई जानवर नहीं चल पाएगा। कुछ जानवर ऐसे हैं जो ऐसा कर लेते हैं, जिनमें छिपकलियाँ शामिल है। छिपकलियाँ भी किसी भी दीवार पर आसानी से चढ़ जाती है। यहाँ तक कि सांप तो पेड़ों पर भी चढ़ने में माहिर होते हैं। सांप जमीन के अंदर रह सकते हैं, सांप किसी भी दूसरे जानवर द्वारा बनाए गए बिलों में रह सकते हैं। कुछ सांप की प्रजातियां तो रेत में अपने आप को ढक लेती है। और जब हम सांपों की बात कर ही रहे हैं तो एक बात और है जो मैं आपको बता दूं कि सांप एक ऐसा जानवर है जिसकी हर एक प्रजाति पानी में तैर सकती है। यहाँ तक कि कुछ सांप तो पूरी तरह से पानी पर डिपेंड है। मतलब सांप जमीन पर चल सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं, और क्या वो उड़ सकते हैं? तो जवाब है हाँ, वो उड़ भी सकते हैं। इस पूरी दुनिया में सांपों की 5 प्रजातियां ऐसी है जो उड़ सकती है, और वो सिर्फ एशिया में रहते हैं। पक्षियों की तरह उनके पास पंख नहीं है, लेकिन उन्होंने उड़ने का तरीका एक अलग ढंग से सीखा है। जब उन्हें लगता है कि कोई उनका शिकार करने वाला होता है या फिर उन्हें शिकार के लिए किसी दूसरे पेड़ पर जाना होता है तो वो पेड़ के ऊपरी हिस्से पर जाकर वहाँ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा देते हैं, और फिर हवा में वो अपने शरीर को इस तरह से मोड़ते हैं और फैलाते हैं कि उनका शरीर एक एरोडायनामिक शेप में तब्दील हो जाता है, जिससे वो हवा में तैरने लगते हैं। उनका शरीर उस सेम पोजीशन पर होता है जैसा कि वो एक स्मूथ सरफेस पर रेंगते हुए अपने शरीर को रखते हैं, और ये अपने शरीर को मोड़कर उड़ते हुए बीच हवा में अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कुछ विशेषताएँ और भी है सांपों में जिनकी चलिए बात करते हैं। सांपों का पूरा शरीर मस्क्यूलर होता है, मतलब शरीर के हर एक हिस्से में अलग अलग मसल्स होते हैं। उसके साथ ही सांप बहुत ही लचीले होते हैं। कई बार देखा गया है कि शिकारी पक्षी जो होते हैं उनके लिए मछलियां और चूहों को पकड़ना आसान होता है, लेकिन सांप कई बार उनके चंगुल से बचकर भाग जाते हैं। यहाँ तक कि सांप उनके पंजों की गिरफ्त में आने के बाद भी अपने आप को छुड़ा लेते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो अगर कोई सांप शिकारी पक्षी के पेट में जाने के बाद भी अगर जिंदा है तो वो अपने आप को वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करता है, चाहे उसके लिए उसे शिकारी पक्षी का पेट ही क्यों ना चीरना पड़े।
एक और सोचने वाली बात है, आखिर ये सांप रहते कहाँ पर है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि सांप दुनिया के लगभग हर हिस्से में आपको मिल जाएंगे। सांप ही इकलौता ऐसा जानवर है जो दुनिया के लगभग हर हिस्से में सर्वाइव कर सकता है, सिर्फ नॉर्थ पोल और दक्षिण पोल को छोड़कर। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और सांप जो है वो ठंडे खून के जानवर है, उन्हें गर्म इलाके काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इस तरह का ये परफेक्ट शरीर अस्तित्व में कैसे आया। ऐसा कौन सा जानवर था जिससे इन सांपों का जन्म हुआ? तो साइंस ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया। आज से कई लाखों साल पहले सांप छिपकलियों से विकसित हुए थे। अब यहाँ पर एक बात और है कि अगर सांप छिपकलियों से विकसित हुए हैं तो फिर दूसरी छिपकलियाँ अभी तक सांप क्यों नहीं बनी? तो दरअसल लाखों साल पहले हुआ ऐसा था कि सांप जो थे वो किसी दूसरी प्रकार की छिपकली से विकसित हुए थे जो कि अलग वातावरण में रहती थी, जबकि जो छिपकलियाँ आज हमारी दुनिया में पाई जाती है वो किसी दूसरे वातावरण की छिपकलियाँ हैं, और आगे आने वाले समय में ये छिपकलियाँ भी सांपों में तब्दील हो सकती है अगर उन्हें अपनी टांगों की ज़रूरत ना रही तो। 2018 की एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि आज से लाखों साल पहले सांप एक ऐसी छिपकली से विकसित हुए थे जो रेत में अपने आप को धंसा कर आगे बढ़ती थी। उस छिपकली को रेत हटाने में पैरों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती थी। इस वजह से धीरे धीरे जब वो पैरों का उपयोग कम करने लगी तो उसके शरीर से ये पैर गायब हो गए और वो सांप बन गए। अभी वर्तमान में एक छिपकली है जिसके शरीर पर कोई टांगे नहीं है। आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले उनकी टांगे उनके शरीर से बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उन छिपकलियों के शरीर पर फिर से टांगे उगने लगी है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से एक दो साल में हो गया, शायद इस छिपकली में ये बदलाव होने में लगभग 1000 से भी ज़्यादा साल लगे होंगे, क्योंकि नेचर जब भी किसी जानवर में बदलाव करता है तो वो धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं है कि नेचर ने डिसाइड कर लिया कि इस जीव की टांगे किसी काम की नहीं है, इन टांगों को हटा दो। वो धीरे धीरे शरीर पर उपयोग ना होने वाले अंगों को हटा देते हैं, और इसी तरह से जानवरों का विकास हुआ है। जिस तरह के जानवर आज हम देख रहे हैं इन्हें ऐसा बनने में लाखों साल लगे हैं। हर जानवर अलग अलग है क्योंकि उनके पूर्वज भी अलग अलग थे और वो भी अलग अलग वातावरण से थे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप जानवरों और नेचर से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।